हेलो फ्रेंड्स, आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त को जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर के हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और स्टैटिक जीके भी देखेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो वीडियो अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉयड पायलट जो पीवोट है उसको किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया दक्षिण कोरिया के द्वारा। और उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 160 सेंटीमीटर और वजन है 65 kg। और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं संविधान से वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन था, कब हुआ था? 1951 में। और इसकी मदद से नवी अनुसूची जो है जोड़ी गई थी जो कि भूमि सुधार हेतु थी। यहीं पे 7वां संविधान संशोधन था, 1956 में हुआ था। और फजल अली कमीशन इसको नाम दिया गया था। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई थी इसमें। यहीं पर 13वां संविधान संशोधन था, 1962 में हुआ था। और ये किससे संबंधित? नागालैंड से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटिंग डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, 3D प्रिंटिंग डाकघर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। ठीक है, ये तकनीक जो है IIT मद्रास एंड LNT दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है और उद्घाटन किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो कि रेल मंत्री हैं। ठीक है, रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल पहला शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ हुआ 2023 में? 2023 में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन हुआ है बेंगलुरु में। एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो 2023 कहाँ हुआ है? ये भी बेंगलुरु में हुआ है। और जीरो शैडो डे शून्य छाया दिवस कब मनाया गया है? तो अप्रैल 2023 में बेंगलुरु के अंदर। तो ये इतनी चीज़ें हुई हैं 2023 में बेंगलुरु में, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? ठीक है, केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना का प्रारंभ करने का घोषणा किया गया है? तो ये है लखपति दीदी। ठीक है, लखपति दीदी जो है ये योजना का नाम है। और इस योजना में क्या हुआ, 2 करोड़ महिलाएँ इससे लाभान्वित होने की संभावना है। उद्देश्य क्या, ग्रामीण महिलाओं की आय सालाना कम से कम 1 लाख बनाना है और स्किल डेवलपमेंट प्लस ट्रेनिंग प्लस लीडरशिप का इसमें क्वालिटी एड ऑन किया जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। पीएम कुछ इम्पोर्टेंट योजना है, पीएम प्रणाम भूमि प्रदूषण कम करने के लिए लॉन्च किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को लॉन्च होगी। और पीएम ई बस सेवा योजना 10,000 इलेक्ट्रिक बस जो है प्रारंभ होगी सिटी बस के स्थान पर। ठीक है, सिटी बस के स्थान पे इलेक्ट्रिक बस लॉन्च किया जाएगा, कितना? 10,000। ठीक है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है मेघालय राज्य में। और इससे संबंधित तथ्य की बात करें तो CM कौन है? कॉन्रेड संगमा है। और पार्टी कौन सी इनकी? NPP है। यहीं पे ADB की बात करें तो ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। स्थापना 1966 में हुआ था। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 68 सदस्य देश हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पटना मेट्रो रेल परियोजना में 5500 करोड़ रुपये की सहायता कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहीं पे आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए $141 मिलियन का ऋण प्राप्त होगा, कहाँ से? ADB से। और विश्व वन्य जीव कोष लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में हुआ है। और G20 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल हैं। G20 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था। G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। और G20 2023 का थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम इसका नारा है। G20 2024 की अध्यक्षता किसने की थी? G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविय। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सेमी कॉन इंडिया 2023 गांधीनगर में आयोजित हुआ। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 गांधीनगर में होगा। WHO का पारंपरिक
चिकित्सा का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ? गांधीनगर में ही हुआ है, ठीक है। और SEU के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023, यहाँ पे 2013 लिखा गया, ये 2023 होगा, ये कहाँ पे? गोवा में ही हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हाल ही में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये 7 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर देगा। अध्यक्ष कौन है? खुशविंदर बोहर, ठीक है। और उद्यम पोर्टल RBI द्वारा लावारिस धन की जांच के लिए किया गया सुस्वागतम ऐप लॉन्च किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ई पास ऑनलाइन जारी होंगे इसमें। और UGC द्वारा लॉन्च पोर्टल जो उत्साह पोर्टल प्लस समाधान प्लस CU चैन पोर्टल है, ठीक है। सागर संपर्क जहाज रानी मंत्रालय द्वारा किया गया है और समुद्र में नेविगेशन करने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है कब? 19 अगस्त को। शुरुआत कब से हुई थी? तो ये शुरुआत हुआ था 19 अगस्त 2009 से इसकी शुरुआत हुई है, यानी लगभग 14 साल इसको पूरे हो चुके हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक बात करेंगे, हैनले रिपोर्ट जो जारी हुआ पासपोर्ट के लिए, तो उसमें भारत का स्थान 80वां है और नंबर 1 पे कौन आया है? तो ये आया है सिंगापुर, ठीक है। दोनों याद रखेंगे, पहला और भारत का स्थान। NHRC की स्थापना हुई थी 1993 में। वैधानिक आयोग है ये और अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप जो है कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये प्रोजेक्ट क्लैप जो है ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। और क्लैप कंटिन्यू लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्लैप क्या है? कंटिन्यू लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट है और गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। इनके द्वारा जो है शुभारम्भ किया गया है। अब बात करेंगे ऑपरेशन मेघदूत क्या है? तो 1984 में सियाचिन में ये किया गया था। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय इस ऑपरेशन से किया गया था। ऑपरेशन विजय क्या था? 1999 में कारगिल युद्ध से संबंधित है। और ऑपरेशन करड़ा म्यांमार से संबंधित है। हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 आरंभ हुआ है असम में। मुख्यमंत्री असम के कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं, ठीक है। गुलाब चंद कटारिया जो है राज्यपाल के वहाँ 2 अक्टूबर 2023 को 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था इस योजना के तहत, ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था उत्तराखंड में, सुंदरलाल बाहुड़ा इसके जो है लीडर थे। और एपिको आंदोलन हुआ था कर्नाटक में। चिपको और एपिको दोनों अलग चीज़ें हैं, कन्फ्यूज नहीं होना। चिपको हुआ था उत्तराखंड में, एपिको हुआ था कर्नाटक में। तो ये सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में आप लोगों के लिए थे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।